माननीय मुख्यमंत्री कैसे क्षमा मांगेगी? मान जी ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया है, ना वो मिले हैं ना रेजिडेंट कमिश्नर मिले हैं। यदि संवाद के लिए ही तैयार नहीं है तो मुझे बताइए समस्या का समाधान कैसे करेंगे? बहुत बड़े बड़े वादे करे थे कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो पराली बर्निंग की जो प्रॉब्लम है उसका निदान कर देंगे, लेकिन पराली बर्निंग की तो प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर हो गई है। 26 अक्टूबर केवल एक दिन के अगर आंकड़े दिखाऊं तो 307 पराली बर्निंग के इंसिडेंट में से 108 में है केवल और केवल पंजाब में। की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी। पार्टी के टूटे हुए वादों का दंश दिल्ली कब तक सहती रहेगी? कैसे क्षमा मांगेगी? की सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में है, ये दोनों राज्य सरकारें आपस में समन्वय क्यों नहीं बिठा रही? यमुना जी की सफाई के बहुत बड़े दावे करे थे माननीय केजरीवाल जी, हर बार 5 वर्ष की मोहलत मांग लेते, लेकिन फिर से दिल्ली को उनके टूटे हुए वादों का दंश है कि हमने जो है वो झेलना पड़ रहा है। हमने पत्रकारों को पहले से ज्यादा नहीं देनी। देखिए, ये केवल एक कागजी कार्रवाई करते रहते हैं कांग्रेस पार्टी और दोषारोपण करते रहते हैं माननीय उपराज्यपाल जी पे, तो कभी अधिकारियों पे दोषारोपण करते रहते हैं। सो वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।